24 घंटे पहले तक आपको शराब नहीं पीनी है, दारू नहीं पीनी है। थोड़ा सा अपने सेहत का भी ध्यान रखो कि कई महारथी चले गए हैं कोरोना की वजह से, तो 24 घंटे नहीं पियोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, बल्कि जान बच सकती है आपकी। हर गंगे बोले की भूमि हरिद्वार से एक बार फिर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ, जो कि है कोरोना वैक्सीन के बारे में, जो कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। तो इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पहली बात मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि 400+ मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 500 होने वाले हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी कि आपने इतना सपोर्ट किया मेरे को, और आगे भी करते रहें और औरों को भी शेयर करें मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है। तो सबको धन्यवाद और आगे चलकर हम बहुत अच्छा करेंगे। तो बात करते हैं अब कोरोना वैक्सीन के ऊपर, जिसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आजकल के लोगों ने, कई सारे लोगों ने वैक्सीन लगा ली है और कई सारे लोग नहीं लगा रहे हैं। कईयों को डर लग रहा है कि भाई इससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पर साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सी दवाई लेंगे आप तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। अगर हम अंग्रेजी दवाई भी लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, पर वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं बोल रहे हैं लोग कि हमें बुखार आ रहा है। मुझे भी आया था, मैंने भी लगाई और हाथ दर्द हो रहा है यहाँ पे, ये साइड इफ़ेक्ट हैं और लोग इससे डर रहे हैं। तो नॉर्मल बुखार भी आपको आ जाते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि बुखार आपको क्यों आ रहा है, कारण क्या है, वो पहले स्पष्ट करूँगा मैं। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्सीन नहीं लगेगी तो आने वाली, बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आ रही है, तो उसमें भी आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इंतज़ार ना करें कि यार हम आएंगे और क्या पता अगला नंबर आपका हो, तो आपको वैक्सीन ज़रूर लगानी है। अब मैं बताता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट जो हो रहे हैं, हाथ दर्द हो रहा है और जो आपको बुखार आ रहा है, किस लिए आ रहा है? कि जिससे ये वैक्सीन विकसित हुई हैं, जो भी 2 से 3 वैक्सीन अभी हमारे पास लग रही हैं जो हमारे देश में हैं, तो ये बनी है एडिनो वायरस से। तो एडिनो वायरस हमारे शरीर में, इंसानों के शरीर में भी पाया जाता है और जानवरों के शरीर में भी पाया जाता है। तो बेसिकली ये वायरस जो है, ये है बुखार, जुखाम और डायरिया जैसी बीमारियों का, खैर जुखाम बुखार को मैं बीमारी नहीं बोलूँगा, और जो ये वायरस है ये जुकाम बुखार और डायरिया का है। तो जो इससे वैक्सीन में इसका जो परसेंट यूज हुआ है, जब वो हमारे शरीर में जाएगा तो वो ऑब्वियसली बुखार करने वाला है, और जहाँ पे से वो डोज दी जाएगी, थोड़ा बहुत दर्द तो हम इंजेक्शन भी लेते हैं तो उससे भी होता ही है। तो कोई वायरस हमारी बॉडी में डाला जा रहा है कि हम, कोरोना अगर हमारे तक आए तो हम पे असर ना करें, तो कुछ हमको सहन भी करना होगा कि, और अगर कोई वायरस बुखार का हमारे बॉडी में ज़बरदस्ती डाला जा रहा है, अब ये नहीं है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या फिर हमको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। साइड इफ़ेक्ट है पर गलत नतीजे, कहीं रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो गलत लगने का तरीका है उससे खूनों के थक्के बन रहे हैं शरीर में, प्लॉटिंग हो रही है। तो प्लॉटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि गलत तरीका है। अगर कहीं जगह ये भी केस सामने आए हैं कि जो हमारे मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में ही वैक्सीन लगनी चाहिए, तो जो यूं दबा के यूं पंच करते हैं हमारा हाथ और इसमें डालते हैं, तो वो मांसपेशियों में नहीं लग पाती, वो नसों में जाके लग जाती है। तो जो कोरोना की वैक्सीन है वो लगनी चाहिए हमारे सेल्स हैं, जो मांसपेशियाँ हैं उनमें। तो जो कई बार लोग ऐसे पंच करके लगा रहे थे इंजेक्शन, तो वो ऐसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि प्रॉपर वो नहीं लग पा रहा था हमारे अभी मांसपेशियों तक में। पूरे विश्व भर में 3 अरब कोरोना की वैक्सीन लग चुकी हैं, 3 अरब, जिसमें से चाइना पहले नंबर पे हैं। चाइना पे अभी तक 1 अरब 40 करोड़ वैक्सीन चाइना ने अपने देश वालों को दे रखी हैं, जो अभी तक लग चुकी हैं और अभी भी लग रही हैं। दूसरे नंबर पे हमारा देश है, हम भाग्यशाली हैं कि 29 करोड़ 50 लाख डोज अभी तक इंडिया में लग चुकी हैं और अभी भी लग रही हैं।
तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको वैक्सीन मिल रही है और हमारा नंबर दूसरे नंबर पे है विश्व में। भारत का नाम दूसरे नंबर पे है वैक्सीन लगने में, और अमेरिका तीसरे नंबर पे है, जहां अभी तक 50 लाख डोज ही मिल पाई है लोगों को, 50 लाख डोज ही लगी हुई हैं वैक्सीन की। तो हमारा देश हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, हमको वैक्सीन मिल रही है अभी, और ऐसा नहीं है कि हमको कोई कॉस्ट देनी पड़ रही है, फ्री कैंप लग रहे हैं, शिविर लग रहे हैं, आपको जाना है और रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके बाद आपको वैक्सीन लग जाएगी। तो आप जाएं और वैक्सीन लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन लगाते टाइम क्या ध्यान रखना है आपको, और कौन कौन सी वैक्सीन मार्केट में आ रही हैं उसका ध्यान होना भी आपको ज़रूरी है। तो पहले बताता हूँ मैं आपको कि कौन कौन सी वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि अभी लग रही हैं, उसका नॉलेज भी होना आपको ज़रूरी है। अगर आप वहाँ जाते हैं वैक्सीन लगाने के लिए, तो आप वहाँ जाके ज़रूर पूछें कि जो वैक्सीन मेरे पे लग रही है वो कौन सी वैक्सीन है। तो जो पहली वैक्सीन है वो है एस्ट्रोजेनिका, जो कि ऑक्सफर्ड ने बनाई है, और जो इंडिया पे चल रही है वो कोविशील्ड के नाम से चल रही है। तो पहली वैक्सीन ये है कोविशील्ड, जो कि एस्ट्रोजेनिका जिसका नाम है, और ये पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लगने वाली वैक्सीन है। 173 देशों में कम से कम ये अभी तक लग चुकी है। और दूसरी है स्पुतनिक वी, जो कि रशिया की वैक्सीन है, और ये भी हमारे देश में लग रही है। तो ये दो वैक्सीन ही ज़्यादातर लग रही है तो जॉनसन एंड जॉनसन की भी है, और अमेरिका की वैक्सीन भी है, और चाइना की भी है। तो काफ़ी सारी वैक्सीन है पर अभी इंडिया में आई नहीं है, और काफ़ी सारे जो हमारे यूथ हैं तो वो यही इंतज़ार कर रहे हैं कि बाहर से जो आएगी वैक्सीन, अमेरिका वाली आएगी, जिसका नाम आपने सुना ही होगा कि फाइजर आने वाली है। तो अमेरिका की वैक्सीन है फाइजर, तो काफ़ी सारे यूथ इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि हम वही वाली लगाएंगे, जब वो आएगी हम ये वाली नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर वो वाली होने वाली। तो भाई सुनो, तो कहीं ये हो कि वो भी ना आए और ये भी ना लगे और तीसरी लहर आ जाए, और फिर तो इसलिए हमें जब ये वाली मिल रही है तो हमें ये वाली लगा लेनी चाहिए। उसका इंतज़ार मत करो, अभी पक्का ऊपर ही नहीं हो पाया है, गवर्नमेंट ही अभी पक्का नहीं कर रही है, तो तुम कैसे आस लगा के बैठे हो कि हाँ भाई मुझे वो वैक्सीन मिलेगी और मैं वही लगाऊंगा, उसके अलावा मैं लगाऊंगा नहीं। अगर वो भी आ गई तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, वो वाली वैक्सीन भी देगी। तो ऐसा नहीं है कि तुम बस उसी पे आस लगा के बैठ रहे हो कि हाँ वो आएगी तभी लगाऊंगा, वरना मैं लगाऊंगा ही नहीं। जो मिल रही है पहले उसको तो ले लो, बाकी बाद में देखना। तो अब बात करते हैं कि अगर आप वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है अगर आप वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हो। पहले तो आपने स्लॉट बुक कर दिया है, तो ऐसा ना हो कि आपने स्लॉट बुक कर दिया और आप वैक्सीन लगाने जा नहीं गए, क्योंकि उससे वैक्सीन ख़राब हो सकती है। आपका डोज जो केवल आपके लिए है, क्योंकि वो आ रहा है तो केंद्र तक पहुंच रहा है जहां टीका लग रहा है, जहां वैक्सीन लग रही है, तो वो आपके नाम से आ रहा है, तो वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो किसी को भी नहीं लगेगा क्योंकि वो आपके नाम से है। तो ऐसा काम ना करें, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप जाके लगवाएं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लगवाने के लिए जाते हैं, अगर आप दवाई लेते हैं या फिर आपको कोई बीमारी है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, एक बार डॉक्टर से बातचीत ज़रूर करें कि भाई मैं वैक्सीन लगाने के लिए जा रहा हूँ तो मैं जा सकता हूँ, और मैं दवाई लेता हूँ, मैं लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ। तो कईयों की दवाई ऐसी भी होता है कि नहीं छोड़ पाता कोई, हमारे लिए बोलना आसान होता है, पर कोई ऐसा होता है कि वो पर डे दवाई लेता है और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आप दवाई लेके जाते हैं, पहले अपने डॉक्टर से बात करें, नहीं तो आप अगर लेके गए चले भी गए हैं तो वहाँ आप एक बार जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे ज़रूर बात करें कि मैं दवाई ले रहा हूँ, जिस जिस जो भी बीमारी है, जो चीज़ है आपको, उस चीज़ के बारे में उनको बताएं कि मैं दवाई लेके आई हूँ या आया हूँ, तो आप मैं वैक्सीन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। तो ये चीज़ क्लियर वहाँ ज़रूर करें, और वैक्सीन लगने के आधे घंटे तक वहीं बैठे रहें, इंतज़ार करें, क्योंकि आपको वहाँ कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो इंडियन रिसर्च टीम ये कहती है कि जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो आधे घंटे के अंदर हाँ हो एक जाते चीज़ हैं। और कि जब आपको वैक्सीन लग रही हो तो आपका अधिकार है पूछने का कि मेरे पे कौन सी वैक्सीन लग रही है, तो ये भी ज़रूर जाके पूछें कि जो मुझे वैक्सीन लगी है वो कौन सी है। और भाई, जो हमारे भाई अंकल ताऊ हैं जो कि थोड़ा शौकीन रखते हैं शराब का, तो 1 घंटे पहले नहीं, बिल्कुल
24 घंटे पहले तक आपको शराब नहीं पीनी है, दारू नहीं पीनी है। थोड़ा सा अपने सेहत का भी ध्यान रखो कि कई महारथी चले गए हैं कोरोना की वजह से, तो 24 घंटे नहीं पियोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, बल्कि जान बच सकती है आपकी। तो ऐसा है कि दारू नहीं पीनी है और कम से कम 24 घंटे तक मत पीना, उसके बाद आप जाना और वैक्सीन लगा के आना, और उसके 24 घंटे तक मत पीना, 24 घंटे तक आप मत पीना उसके बाद भी, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये मेरी एक अच्छी सलाह थी आपके लिए। और एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगा कि जो आपका सर्टिफिकेट है कोरोना का वैक्सीन लगने का, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं जाते हो बाद में तो कहीं चेकिंग हो रही है, तो वो ही चेक होगा कि आपके पास वैक्सीन आप पे लगी है या नहीं लगी है। तो और ना उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें कि स्टेटस लगा रहे हैं कि भाई मैंने तो वैक्सीन लगा ली, तो ऐसे काम ना करें, ये एक बेवकूफ़ी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और थोड़े बहुत मैं आपको जानकारी दे पाया हूँ तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।